आज का दिन बहुत मुबारक है। आज आहिल जी ने कुरान खानी का इंतजाम किया है। आई रियली थिंक हमें भी चलना चाहिए। नहीं जा पाऊंगी। कम ऑन जन्नत, आपकी बीमारी जिस्मानी से ज्यादा दिमागी है। अल्लाह की बंदगी में दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। आई रियली फील कि अगर हम इस कुरान खानी में जाए तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जन्नत, मैं जानता हूं कि आपके दिल में अब भी ऐसे सवाल है, ऐसी उलझने हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रही, मुझसे भी नहीं। दैट्स फाइन। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई राह बाकी नहीं है, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दो। सही राह वो तुम्हें दिखाएगा। प्रॉमिस यू। तैयार हो प्रार्थी। या अल्लाह, मेरी तुझसे बस इतनी ही दुआ है कि तू जन्नत को उनकी खोई हुई याददाश्त वापस दिला दे, और मुझे मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं उसे दूर जाता हुआ देख सकूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अब तो आप आई एम सॉरी। अब मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में कदम रखेंगी? तुम्हें आपा के बच्चे, तुमने उस लड़की को धोखा दिया जिसका तुम्हारा निकाह होने वाला है। तुम्हारा निकाह है और तुम आज दूसरी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? वो लड़की तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़कर आ रही। तुम्हें शर्म नहीं आई सर? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं। आपा छोड़ो मुझे। खबरदार जो तुम मेरे और सैफ के बीच में भी आए। कल ही मैं कह रही थी ना कि तुम सैफ पर भरोसा कर सकती, और देखा आज इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुमसे कहा था ना नाजिया कि अगर मैंने इसे देख लिया तुम्हें धोखा देते हुए, तो मैं इसे भरे बाजार बेसक करूंगी, और मैंने झूठ नहीं कहा था तुम्हें। अब मैं इसे छोड़ूंगी, और अगर तुम चाहो ना तो तुम भी इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ सकती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब तुम इस घर में रहोगे नहीं। पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो एक बार यकीन तोड़ सकता है ना, वो दोबारा भी यकीन तोड़ सकता है। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि नाजिया तुम पर यकीन करे, समझे तुम? अब मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब एक मौका तो अल्लाह भी देता है, दोबारा गलती करने का मौका मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं, समझे तुम? अब नाजिया तुमसे निकाह करे या ना करे, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुम्हें। अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तुमने बहुत गलत किया। नाजिया बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी। तुम्हारा सिर्फ भरोसा नहीं, दिल भी टूटा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरा यकीन करो तो मैं तुम्हें जुबान देती हूँ कि सैफ तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर तुम मेरा यकीन करती हो तो, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस रिश्ते को तोड़ सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में।
कुरान खानी के खत्म होने पर अब हम सब मिलके दुआ मांगेंगे। दुआओं के लिए हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह, हम बंदों को हमारी बंदगी का नेक सिला अता फरमा, हमें अच्छी राह दिखा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ऐ अल्लाह, कई बार तू अपने बंदों से इम्तहान लेता है और उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो समझ नहीं पाते कि वो अपने दिल की बात सुने कि अपने दिमाग की। ऐ अल्लाह, ऐसे लोगों को तू अपनी कुव्वत और ताकत दे ताकि वो अपने दिल की बात सुन सकें। या अल्लाह, जो सर तेरे सजदे में झुकता है उसे मायूसी कभी नहीं मिलती। अगर आज जन्नत को उनकी दिल की आवाज नहीं सुनाई थी तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्लीज उसकी मदद करना, उन्हें सही सही राह दिखाना। या अल्लाह, इंसान खुद से एक बार के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन तुझसे नहीं। तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मेरे शौहर ही मेरी जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी इस रिश्ते को नापाक नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक उलझन है। मेरे दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत की जो तस्वीर है वो बहुत धुंधली हो चुकी है। इतनी धुंधली कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को देख भी नहीं पा रही। मेरे मौला, बस एक बार मुझे वो तस्वीर साफ साफ दिखा दे, बस एक बार। टूटा हुआ तारा,
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।